अच्छा कटिहार में कल हीरो शोरूम के कैशियर को बैंक में रुपया जमा करने जाने के दौरान गोली मारकर हत्या कर लूट के बाद आज सुबह पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। पीड़ित परिवार के बरमसिया स्थित आवास पर उन लोगों से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि कई बार उनको एसपी और पुलिस के वरीय अधिकारी से बातचीत हुई है, जल्द मामले का उद्भेदन होगा। इस दौरान उन्होंने निजी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी के इंस्टॉलेशन एवं उनकी उपयोगिता पर भी गहराई से मंथन का सुझाव दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार इस परिवार को नियमानुसार मुआवजा भी देंगे। आपको बताते चले कि दिनदहाड़े मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हीरो शोरूम से चंद कदम की दूरी में बैंक में रुपया जमा करने जा रहे शोरूम के कैशियर रजत को गोली मारकर लूट घटना को अंजाम दिया गया था। बीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट। हाँ, आयशा मोटर्स में कटिहार पूर्णिया पथ पर कल अंशु जिसे रजत दीप नाम है, रजत प्रतीक, तो वो अपने प्रतिष्ठान का राशि लेकर बगल के बैंक में जमा करने जा रहा था। उसकी लूट के उद्देश्य से अपराधियों ने घेरा और उसकी हत्या भी हो गई है। यह काफ़ी दुखद है। कल घटना की जानकारी मिलते ही मैंने पुलिस अधीक्षक और वरीय पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है और मुझे लगता है कि जो अपराधी है उस तक पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी, क्योंकि लगातार पुलिस इसके उद्भेदन में लगी हुई है। मुझे लगता है शीघ्र सफलता मिलेगी। सरकार की ओर से पीड़ित परिवार के लिए जो भी संभव होगा हम सब करेंगे। और यह घटना दुखित है। मैंने पुलिस अधीक्षक को कहा भी है कि जितने भी बैंक हैं उसमें सुरक्षा की व्यवस्था एवं सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की क्या स्थिति है उसको ठीक करने के लिए निर्देश दें, जिससे कि इस तरह की दुर्घटनाओं में को रोका जा सके एवं अपराधियों तक पहुंचने में सुविधा हो। एक बात आई है कि अगल बगल का जो सीसीटीवी है सब खराब था, कुछ इनपुट इस तरह? हाँ, निश्चित तौर पर जानकारी मिली है। पुलिस से इन सारे मामले को देख रही है और सीसीटीवी ठीक हो या तो जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं उन सबका भी दायित्व है, जिससे कि इस तरह की घटनाओं को रोकने में सफलता मिल सके। उसके लिए सरकार की तरफ से कोई अभी निश्चित तौर सरकार की ओर से जो भी प्रावधान है उसको तुरंत करवाने का है।